साथियों, आज पर्यावरण के सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भोजन। जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन एक ऐसा टॉपिक, ऐसा अध्याय है जो आपकी परीक्षा में हर बार एक से दो प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं। इसलिए भोजन को हम लोग NCERT के आधार पर, इन लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स के आधार पर हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ लेंगे। आज जो टॉपिक अगर हम लोग देखें तो भोजन एवं स्वास्थ्य, तो यहाँ पर अगर हम पहले पढ़ें, इस टॉपिक का नाम है फूड। अगर बात करें कि भोजन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, क्रमवार बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपने इतना तैयार कर लिया, तो एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में से बाहर से नहीं आने वाले हैं। आइए जानते हैं, पहले तो मानव शरीर जो होता है उसको भी पोषण की आवश्यकता होती है, और हिष्ट पुष्ट होने के लिए उसे प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा, विभिन्न विटामिन के साथ साथ भोजन की भी सख्त जरूरत पड़ती है, जिसमें भोजन से इन सभी जरूरतों की पूर्ति होती है। इसकी पूर्ति भोजन के रूप में मिले गए या लिए गए पदार्थ के, जब वो शरीर में जाता है, प्रवेश करता है पाचन क्रिया के बाद, सभी विटामिन, खनिज, लवण अलग अलग मात्रा में निकलकर शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचकर हमें, आपको स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। मतलब अच्छा भोजन अच्छा स्वास्थ्य का द्योतक है। अभी प्रश्न उठता है, ये भोजन क्या है? क्या आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आया? मतलब जब हम, या कोई प्राणी हो या मनुष्य, कोई भी जीव जंतु हो, गधा हो, गधई हो, जब ग्रहण किए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनसे उनके शरीर की वृद्धि होती है, उनका दैनिक जीवन का जो कार्य होता है पूरा करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम भोजन कहते हैं। माने ऐसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो जीवों द्वारा ग्रहण होकर उसके शरीर की समस्त क्रियाओं को संचालन कार्य करते हैं, उन्हें भोजन, फूड या आहार कहते हैं। अगर प्रश्न है कि भोजन के कार्य क्या क्या हैं, तो भोजन जो डेली का कार्य होता है उसको करने के लिए हमें ऊर्जा देती है, शरीर में वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, अगर कहीं शरीर में कहीं टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत शरीर में करती है, मतलब स्वयं मरम्मत करने का काम करती है, रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करती है, हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। अगर हम भोजन के प्रकार देखें तो भोजन दो प्रकार का होता है, एक संतुलित भोजन, दूसरा असंतुलित भोजन। जी हाँ, आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में। तो ये बताइए, संतुलित भोजन क्या है, असंतुलित भोजन क्या होगा? एकदम आसान भाषा में आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, वह भोजन जिसमें शरीर के लिए सभी आवश्यक तत्व एक निश्चित मात्रा में मौजूद हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर संतुलित आहार के बारे में बात करें, तो आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण, मिनरल, प्रोटीन, वो सभी आते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें असंतुलित क्या है, तो अभी उसके बारे में देखें, जिसमें इसकी मात्रा भरपूर ना हो उसे हम असंतुलित भोजन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन एक शब्द है छोटा सा, कुपोषण क्या है, जरा आप लोग बताएंगे। कुपोषण यहाँ पे दिया हुआ है, लंबे समय तक किसी व्यक्ति के भोजन में एक या उससे अधिक तत्वों की कमी हो तो वह किसी रोग का शिकार हो जाता है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। क्या कहा जाता है उसे, हम कुपोषण कहते हैं। अब यहाँ पे एक दो सवाल आपको है जो आसानी से आपको बताना है, जिसको आपको आसानी से समझना है। जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पे और लॉजिक में यहाँ पे छोटा सा टॉपिक आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देख रहे हैं एक आयरन है और कैल्शियम है। अब आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किस में आयरन मिलता है और कहाँ कहाँ आपको कैल्शियम मिलता है। ऐसे तो आपको याद होगा और आगे सिलेबस में भी है, पाठ्यक्रम में भी है, पढ़ना तो ही है, ये आपके लिए लाजमी है। लेकिन यहाँ पे इन तत्वों को अगर हम और आप अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर पढ़ लेंगे, शायद आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और बेहतर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं, साबुत अनाज हुआ, फलियाँ हुआ, सूखे मेवे हुए, हरी पत्तेदार, इसमें क्या मिलता है, आयरन होता है। आगे हम देखेंगे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वनस्पतियों द्वारा प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, जैसे अगर हम देखें दाल है, तरकारी है, मसाला है, फल है, कुछ मादक पदार्थ हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, तेल है, गन्ना जिसे आपका चीनी या शक्कर बनता है। अगर जंतुओं द्वारा देखें तो हमें क्या मिलता है, दूध, शहद, तेल, मछली, मांस, अंडा, दवा भी औषधि के रूप में, तो ये हमें भोज्य पदार्थ के रूप में मिलता है। उसमें से भी जैसे कैल्शियम, किसमें, पालक में कैल्शियम है, मेथी है, दही में है, बथुआ में है, टोफ में है, दूध कम वसा वाला, ठीक है, इन सभी में कैल्शियम मिलता है। नीचे अभी हम लोगों ने देखा छोटा डायग्राम आपको दिख रहा होगा विटामिन्स की, तो ये इंटरनेट पर अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि विटामिन, यहाँ पे देखो उनके ये विटामिन हैं, ये उनके रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, B1 का नाम क्या है, B2 का क्या है, B3, B
फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी नाइन, बी ट्वेल्व, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का। तो यहाँ पर एक चक्र के रूप में यहाँ पे बना हुआ और आपको इसको याद करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं और हमसे और आपसे प्रायः यहाँ से गलती हो जाती है। तो भविष्य में ये प्रयास करना है कि यहाँ से अगर प्रश्न आए तो संभवतः गलती ना होने पाए। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसके अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? अब हम और आगे पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए सिलेक्शन जो लेना है तो टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को अध्ययन करते चलना होगा। वैसे नोट्स आप लोग जुड़े होंगे ऑनलाइन ई-लर्निंग पर दुर्गेश को उपलब्ध होगा, ये गेस्ट के रूप में हम आप लोग को ये क्लास निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा कि ये विटामिन क्या होते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कुपोषण हम लोगों ने पढ़ लिया था, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन। तो देखते हैं ये विटामिन क्या होते हैं। चलिए, विटामिन जैसे बच्चों में देखा हम लोगों ने क्वासर कोर तथा मेरेस्मस। अभी आगे हम पूछेंगे कि ये बीमारियाँ किसकी कमी से होती है, आगे हम लोगों को क्रम बाय क्रम पढ़ना है, लेकिन तब तक हम आपसे एक सवाल जरूर पूछेंगे। जैसे कुपोषण क्या होता है, क्वासर कोर हो गया बच्चों में तो कहते हैं कि बच्चे को कुपोषित है। मेरेस्मस जो बीमारी होती है उसको भी कहते हैं कि बच्चा कुपोषित है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे भी इसके एक एक तत्वों पर, लेकिन अभी छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे बताना जरूर चाहूँगा। पहले मैं विटामिन पढ़ाने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको बता दूँ। जैसे भोजन कहाँ से मिलता है, भोजन से क्या क्या मुख्य अवयव हैं, जैसे उसमें है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, जल, ये सभी आते हैं। इसमें से ऊर्जा कौन कौन देते हैं, प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है, वसा देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। लेकिन अगर शरीर में निर्माण हो या कहीं क्षतिपूर्ति हो जाए उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें हमारा प्रोटीन काम करता है, खनिज लवण और जल। लेकिन रोगों से बचाने के लिए विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल ये सभी काम करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जानना है कि विटामिन क्या करता है। हमें विटामिन एक अत्यंत आवश्यक रसायन है जो शरीर में उपाचन की समस्त क्रियाओं को निरंतर बनाए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों ने देख लिया, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विटामिन क्या है। अब आप लोग जरा बताइए कि अपने शब्दों में विटामिन क्या, क्योंकि परीक्षा में ये नहीं पूछेगा विटामिन किसे कहते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर पूछेगा कि विटामिन से कमी से क्या क्या हो सकता है, विटामिन हमारे लिए किस प्रकार ज़रूरत है, विटामिन को हमें किस प्रकार से पढ़ना है, ये आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। तो चलिए विटामिन के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, जान लिया। विटामिन को वसा और पानी में उनकी घुलनशीलता के आधार पर भी दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। अभी आगे देखेंगे कि कौन विटामिन जन्म घुलनशील है, कौन सी नहीं है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के जब प्रकार आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है विटामिन दो प्रकार का होता है, एक जन्म घुलनशील, एक अघुलनशील। माने जल में पूरी तरह से घुलनशील है, लेकिन दूसरी जो है वो क्या है, जन्म घुलनशील नहीं है। इन्हीं के आधार पर हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे कीड़ा, जैसे यहाँ पे हम पानी ये रखते हैं कीड़ा, अगर कीड़े को हम पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, भग जाएगा। लेकिन अगर वसा में डाल देंगे तो नहीं होगा। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन के है, विटामिन ए है, बी है, विटामिन डी है, विटामिन कीड़ा। और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लोग घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये सहायक अध्यापक आशीष सर के लिखे हुए नोट्स आप लोग को ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हैं और ये घर बैठे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम जो था मैंने आपको बताया पढ़ा के, तो वसा में घुलनशील कौन है, जल में कौन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी है। विटामिन एक रसायन है जो शरीर में होने वाले चयापचय की क्रिया को निरंतर बनाता है। क्या होते हैं, चयापचय की क्रिया, जो चयापचय की क्रिया होती है इसको क्या करता है, निरंतरता बनाने का काम करता है। विटामिन का निर्माण शरीर के अंदर होता है, इसलिए हम इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और अगर इसके बारे में और अगर हम लोग जाने तो 1881 घटना है, 1881 में लुलिन ने विटामिन की खोज की और बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त हमें स्वच्छ पदार्थों को होना जरूरी है। किसने, लुलिन ने, लुलिन ने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। सबका समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, सबका क्लियर हो गया। चलिए तब हम और आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि विटामिन से प्राप्त नहीं होती ऊर्जा, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती। पहला प्रश्न उठता है कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक, सभी को क्लियर हुआ। दूसरा, भोजन का सबसे मुख्य अवयव क्या है,
कार्बोहाइड्रेट है। अभी एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे वहाँ से आपके परीक्षा में कैसे प्रश्न बनते हैं। विटामिन्स के प्रमुख कार्य क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि विटामिन्स का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो रोगों से रक्षा करना। ये क्या है, ये रोगों से रक्षा करने का काम ये करता है हमारा विटामिन्स, ठीक है, और इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पे है कि लूनिन जो था विटामिन की खोज की, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलता है कि फंक ने खोज की थी। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, लूनिन और फंक दोनों। तो लूनिन ने सबसे पहले शब्द का भी प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर और कुछ बातें हम लोग हैं तो जानना चाहिए, जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सर्वप्रथम विटामिन खोज किसने की थी, फंक महोदय ने की थी, कब, 1911 और 12 में, कब, 1911 और 12 में की थी। अब बगल में एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उनसे कमी से होने वाले रोग हैं। वैसे मैं बोलता चल रहा हूँ, और कॉपी अगर हो, कलम हो आपके पास तो लिख भी लीजिएगा, वैसे आपको नोट्स में तो दिया ही गया है इंपॉर्टेंट कुछ कुछ। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें, या आप भी हमारे साथ देखें, तो विटामिन ए देख रहे हैं आप, ए की का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपने कहा सर रेटिनॉल है, क्या है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौधि रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौधि नामक रोग होता है। अब आपके समझ में आएगा कि सर ये रेटिनॉल जो है, पहली बात तो वसा में घुलनशील है, ठीक है, और इसमें कार्निया व त्वचा की जो कोशाओं का सल्की में भवन बन जाता है, साफ नहीं दिखता, इसे कुंठित वृद्धि रतौंधी होता है, ठीक है। अब आगे है विटामिन B1 थायमिन वो बेरीबेरी, ठीक है, यह बात भी आप लोग सभी लोग जानते रहिएगा जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। विटामिन B1, अगर B1 की बात करें, जल में घुलनशील है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, B1 का नाम क्या है, थायमिन है, इससे क्या होता है, बेरीबेरी नामक रोग होता है। मतलब इसकी कार्य की प्रभाव क्या है, कार्बोहाइड्रेट वसा के उपाचय प्रक्रियाओं में यह सहएंजाइम का घटक है, ठीक है, यह इससे अनाज हुआ, फलियां हुआ, सोयाबीन, अंडे, यह इससे मिलता है। फिर आगे है आपका B12 राइबो, अगर B12 B1 की बात करें, जाए B1 हो गया ना, अगर हम B2 की बात करें तो राइबो फ्लाविन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, राइबो फ्लाविन कहते हैं, और इसमें क्या होता है, आँखों का लाल होना, ठीक है, जिह्वा या त्वचा का कटना, आँखों का लाल होना या जिह्वा या त्वचा का कटना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग और आगे देखेंगे तो चीज़ें और आपको स्पष्ट होती चलेंगी। विटामिन B3 लाल सफ़ेद दाग चकते होना, इसका विटामिन रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड है, बुद्धि कमज़ोर होना। विटामिन B5 नियासीन है, इसे लाल दाँत कहते हैं, पेलाग्रा नामक होता है। फिर अगर हम आगे देखें तो विटामिन B6 है आपका, B6 के बारे में आप लोग को पता होगा, इसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। फिर आपका आता है B7 को बायोटिन कहते हैं, लकवा या बालों का झड़ना। B12 एनीमिया, इसकी कमी से एनीमिया होती है, त्वचा रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो सी भी जो है यह जल में घुलनशील है, एस्कार्बिक अम्ल इसे कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होते हैं। प्राय खट्टे पदार्थ को जैसे नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू या इसे खाने से इसकी कमी की पूर्ति हो जाती है। फिर विटामिन डी है, कैल्सीफेराल है, डी का नाम क्या है, कैल्सीफेराल है आपका, इसे रिकेट्स या रिकेट्स नामक बीमारी होती है, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। विटामिन डी यह भी एक वसा में घुलनशील, इसमें सूखा रोग होता है, ऑस्टियो मलेशिया रोग होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के उपाचयन से हड्डियों और दांतों में वृद्धि होने लगती है, ठीक है। फिर आता है विटामिन ई, विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम है, इसमें जनन शक्ति क्या होती है, कम होने लगती है, जननांग तथा की पेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, ये गेहूँ, अंडा की जर्दी, सोयाबीन से, ठीक है। विटामिन के बारे में अगर देखा जाए तो नेफ्थो विक्नोन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है, विटामिन के का, ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। फिर हमने देखा कि फॉर्लिक एसिड जो है, इससे नीमिया या पेचिश होता है, तो ये मैंने मुंह से बोल दिया है, और आप इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, आपको साफ और स्पष्ट रूप से मिल जाएगा हर एक चीज़, हर एक तथ्य आपको। हम चलते हैं अगले पेज की तरफ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई प्रश्न, कोई सवाल, जी हाँ, यह वीडियो आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, जी हाँ।
अगला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ विटामिन हैं, उनके रासायनिक नाम कमी सोने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ इसकी स्क्रीनशॉट चाहे आप सभी लोग कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, मैं चाहूँगा स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ये नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर लेके कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे एक नंबर दिया गया, इलेनी बिद्रगेश के ऑफिस का नंबर है, ये नंबर हो सकता है आपके कभी काम आ जाए, ये नंबर को नोट डाउन करके रखिएगा। यहाँ पर है विटामिन ए, जैसे यहाँ पे दिया ए, तो विटामिन ए का रसायन रेटिनॉल है, रतौधि होती है, इसका स्रोत क्या है? अगर विटामिन ए का स्रोत देख लिया जाए कि ये विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो कैरोटीन रंग, जैसे इसमें देखा जाए अंडा है, मछली है और दूध, गाजर, ये इसे रेटिनॉल से कमी से रतौधि नामक रोग होता है, ये ऊपर हमने बता दिया। यहाँ भी दिया रेटिनॉल है, रतौधि और जिरोप्थीमिया नामक रोग होता है। बी है, बी का नाम थायमीन है, बेरी बेरी होता है, ठीक है, अनाज से मिलता है, मोटा अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, अंडे, मांस से मिलता है, ठीक। और यहाँ पे दिया गया है थायमीन, बेरी बेरी। बी के अन्य कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो इसके कॉम्प्लेक्स में B12 है, राइबोफ्लोविन, अगर यहाँ पे मैंने ऊपर अभी इसके बारे में जिक्र किया था। यहाँ पे भी क्लोसिस नामक रोग होता है, ग्लाइसोआइट नामक रोग होता है, ये भी पनीर हुआ, ईस्ट, हरी सब्जी, दूध, मांस खाने से क्या ऐसी कमी पूरी हो जाती है। विटामिन B3 की अगर हम बात करें, B3 क्या है तो जरा कोई बताएगा B3 क्या है? तो देखिए B3 क्या है, पेंटोथीनिक अम्ल है, ये बालों का सफ़ेद होना, वृद्धि होना है। B5 है, नियासिन है, B6 है, पैराक्सिन है, फिर विटामिन B9 है, फोलिक अम्ल है, विटामिन B12 है, साइनोकोबालमिन है, सी एस्कार्बिक अम्ल है, डी कैल्सीफेराल है, ई टेकोफेराल है, विटामिन ई फ्लोक्विनोन है, विटामिन के या इसे नेफ्थोक्विनोन कहते हैं, फिनोन या नेफ्थोक्विनोन कहते हैं, इसमें रक्त थक्का नहीं बनता। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो यहाँ पर ऊपर दिखाई दिया है। और यहाँ पे देखिए विटामिन ए रेटिनॉल है, बी थायमिन हो गया, सी एस्कार्बिक एसिड होता है, इसमें जो विटामिन सी है इसके से स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों में खून, ये इसमें खट्टे पदार्थ से नींबू हुआ, टमाटर हुआ और संतरा हुआ, नींबू वंश के जो फल आते हैं वे सभी इसमें आ जाएंगे, इसमें दांतों का डंडे का निर्माण होता है। डी कैल्सीफेराल है, इसे भी इम्पॉर्टेंट है, कैल्सीफेराल, इससे क्या होता है, रिकेट्स या सूखा रोग होता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है, इसका स्रोत अगर देखा जाए विटामिन डी का तो सूर्य भी है, ठीक है, ये आप लोग पहले से भी पता होगा, सूर्य का प्रकाश। ई क्या है, टोकोफेराल है, नपुंसकता पुरुषों में, बाष्पन महिलाओं में, ये ऊपर हमने इसके बारे में बात की विटामिन ई के बारे में, इसमें तेल, गेहूं, अंडा, जर्दी, सोयाबीन। के क्या है, इसके बारे में बताया, फ्लोक्विनिन है, इसका नाम नेफ्थोक्विनोन भी मिलता है कहीं कहीं, लिखना चाहें लिख लीजिएगा नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता। इसके लिए आप पालक खाइए, सोयाबीन खाइए, अंडा जिग की जर्दी होती है, टमाटर, गोभी, ये सब इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर हमने आपको ऊपर बता दिया और नीचे भी जो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अन्य कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा कितने कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी हमें यहाँ पे पढ़ने को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपके मन में कोई सवाल, कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम चल रहे हैं और आगे, ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप सभी लोग। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया, जैसे यहाँ पे B2 क्या है, राइबोफ्लोमिन है, आँखों का लाल होना, B3 है, निकोटिनिमाइड है, पेलाग्रा, B5 है, पेंटेथेनिक एसिड है, B6 है, पैराक्सिन है, एनीमिया होता है, B7 से बर्टीन है, लकवा होता है, B9 से फॉलिक एसिड है, ठीक है, और इसे फोलिनिक अम्ल समूह के अंतर्गत, इसमें क्या होता है, यहाँ पे नहीं दिया गया, लिखना चाहें लिख लीजिएगा, रक्त क्षीणता, कुंठित बुद्धि, जैसे इसे जड़ बुद्धि कहते हैं, कुंठित बुद्धि वाले। B12, अगर B12 की बात करें तो साइनोकोबालमिन होता है, इसमें एनीमिया तथा पीलिया रोग होता है, तंत्रिका तंत्र इसमें गड़बड़ा जाता है, ठीक। तो ये था हमारा प्रमुख विटामिन और यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें, इसे अपने इलेनी बुद्रगेश पर जुड़े होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे तो आपको इसकी नोट्स भी उपलब्ध हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब और आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं की तरफ हम लोग और चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे विटामिन के रासायनिक नाम, उनसे जुड़े होने वाले रोग दिए गए हैं जो रह परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आप इंटरनेट से मिला हुआ है ये, इंटरनेट से खोजकर आपको लिए बनाया गया है ये,
ताकि आपका ये भी काम होता रहे और नोट्स की व्याख्या भी आपकी हो जाए, दोनों काम आपका एक साथ आसानी से हो जाए। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, ऊपर से मैंने व्याख्या कर दिया, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, तो गाजर है, इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है या नींबू के जितने भी जाति के आते हैं वे सभी हैं। फिर विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है, अंकुरित गेहूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आपसे जरूर पूछूंगा विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे देखा हमने जनन शक्ति 6, पुरुषों में जनन और महिलाओं में बाष्पन, ऊपर भी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। विटामिन के का स्रोत क्या है, पालक है। विटामिन B12, अगर हम B12 की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन 2 B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जवाब जरूर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है B12 में क्या कोबाल्ट, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा इसको पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक आयरन कहाँ पाया जाता है, तो पालक में, ये परीक्षा वाले प्रश्न ये पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आयरन जो है वो पालक में मिलता है। फिर दूध में विटामिन नहीं पाए जाते, तो क्या है, दूध में विटामिन नहीं पाई जाती, कौन सी, सी, दूध जो है उसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती लगभग, और बाकी जितने भी विटामिन हम लोगों ने पढ़ा सब में प्राय विटामिन पाई जाती है। चावल को जो पॉलिश करने से क्या नष्ट हो जाती है, तो थायमिन नष्ट हो जाती है, क्या नष्ट हो जाती है, थायमिन नष्ट हो जाती है, और थायमिन क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, क्या इसका, यह है B1, रासायनिक B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, वो क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इससे कमी से बेरी नामक रोग होता है, किसके, जब हम चावल की पॉलिश करते हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है, ठीक, ऊपर हम लोगों ने ये बात समझ लिया। ठीक, फिर हम और आगे देखते हैं, ये देखा हम लोगों ने दक्षिण भारत के लोगों का जो मुख्य भोजन है वो मछली और चावल, ये प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना हो पर्यावरण के इन तथ्यों को पढ़ना है, क्योंकि पर्यावरण की इससे बेस्ट नोट्स आपको पूरे यूपी में नहीं मिलेगी और न ऐसे बेहतर क्लास, ये घमंड नहीं है, गर्व की बात है, बाकी जितने लोग मिलेंगे आप इसी नोट्स को ही लोग ऊपर नीचे करके पढ़ा रहे होंगे। आगे हमने देखा विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है, त्वचा में होता है, इसलिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा ठंडियों में मिलता है। हमारे शरीर में संश्लेषित कौन सा विटामिन होता है, तो डी और के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डी और के, ये दो विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण क्या होता है, हमारे शरीर में होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ विटामिन से जुड़ा हुआ जो प्रश्न था वो आपका यहाँ पे समाप्त हो गया होगा। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है, रतौधी होती है, बेरी बेरी, स्कर्वी, अल्पमता आदि रोग हो जाते हैं। और जो बच्चों में विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है बच्चों के अंदर, वो कौन सा होता है, सूखा रोग। विटामिन ए कमी से जो बच्चों में होता है वो सूखा रोग होता है, किसमें, बच्चों में। यह बात आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा याद रखेंगे तो सही है, नहीं थोड़ा ही याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अगर विटामिन के कुछ BC के कुछ कॉम्प्लेक्स अगर हम लोग को पढ़ना है तो अगर कहें तो मैं और अच्छे से बता दूँ। देखिए विटामिन बी की, क्योंकि बार बार यहाँ पे बी से जुड़े हुए कुछ कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं विटामिन बी पर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का समूह है जिसमें B1 से लेकर B12 तक B1, B2 तथा विटामिन B12 शामिल हैं। विटामिन बी पूरे शरीर में पाचक और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ये त्वचा को भी स्वस्थ और स्वस्थ रखता है। विटामिन की बी की कमी से भूख कम हो जाती है और हृदय धीरे धीरे दुर्बल और आलसी हो जाता है। अब विटामिन सी की बात करें जो बार बार हमारे परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, विटामिन सी, इसकी खोज कब हुई थी, सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई थी, याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सी विटामिन खोज हुई थी, तो विटामिन सी, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, सबसे पहले जो विटामिन खोज हुई थी वो सी थी। इसका जो प्रमुख कार्य है ये उत्तकों में कोशिकाओं को बांध कर रखना, ये दांतों मसूड़ों की मजबूती के लिए, घाव में उपचार के लिए, रक्त में लालिमा लाने के लिए और यमन को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, आकर्षक को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है विटामिन सी। और स्कर्वी जैसे रोकथाम को भी, इसका भी जो रोग होता है उससे बचाव करता है विटामिन सी। यह जोड़ों को काम आने वाली तंतुओं के लिए भी उपयोग में ली जाती है। अब यहाँ पे एक बात और जानना होगा, जैसे एक विटामिन सी कहाँ कहाँ से मिलता है या कमी से क्या क्या हानि होती है। अगर विटामिन सी है तो इससे स्कर्वी रोग होगा, मसूड़ों में खून आएगा, सूजन आ जाएगा और खून अधिक और जल्दी बहने लगता है, तो कहते हैं विटामिन सी की कमी है क्या। अब एक छोटा सा टॉपिक है विटामिन डी, जिसके बारे में मैं चाहूँगा आपसे चर्चा जरूर करूँ। विटामिन डी क्या है, जब विटामिन डी की बात करते हैं तो शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवणों को शोषित करने में बहुत ही मददगार होते हैं और ये
हड्डी दांतों को मजबूती देने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और प्राय गर्भवती महिलाओं को पिलाने वाली सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब गर्भवती महिला दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसकी कमी से क्या क्या रोग होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। इससे क्या होता है, शरीर का जो है विकास वो रुक जाता है। एक बात तो आप लोग को ये पता हो गया होगा, लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है, क्या किसी को पता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेट्स नामक रोग होता है, ये भी शायद आप लोग को पता होगा। उसके अलावा ये कहाँ से मिलता है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश, जो ठंडियों में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा अगर हम आप लोग देखें उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या किसी को पता है उसके अलावा भी? देखिए, उसके अलावा अगर हम और आप लोग पढ़ें और जानना चाहें तो उसके अलावा जो हमारा तथ्य हमारे सामने आता है वो ये है कि जो मछली का तेल, मक्खन, दूध, अंडे का जो पीला भाग होता है उससे होता है। तो ये हम लोगों ने विटामिन जुड़े उन तथ्यों को पढ़ लिया जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं। विटामिन की अगर कमी हो जाए तो जो अगर ब्लड निकलने लगता है तो रुक नहीं पाता। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन बैंक की सीरीज हल करेंगे तो जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, छोटे मोटे जो तथ्य हैं, उनको भी हम लोग और अच्छे से और बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे और पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक से पढ़ने के बाद आपके मन में न कोई सवाल बचा होगा, न कोई प्रश्न बचा होगा। ठीक है, चलते हैं हम और आगे चलते हैं एक एक करके। अब देखिए, हमारे सामने छोटा सा टॉपिक है प्रोटीन। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे, ये प्रोटीन को। क्या आप लोग जानते हैं ये प्रोटीन क्या है? जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं जरा बताएं, क्योंकि नोट्स भी बनाते चलिएगा आप लोग, क्योंकि मैं नोट्स से ज़्यादा जो मैं लेक्चर देता हूँ वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी होगा, लेकिन इसके अलावा जो लेक्चर हमारे होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसको भी आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा, लिखते रहिएगा। देखिए, प्रोटीन से हमारे शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है, और कोशिकाओं के निर्माण के लिए अगर कोई ज़रूरत है तो प्रोटीन है। मांसपेशी, त्वचा, नाखून, ये बाल अधिकतर इन्हीं से बनते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन होते हैं। प्रोटीन की इकाई को अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की जो इकाई है उसे हम अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। ये आप बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते रहेगा, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आपके प्रश्न आ सकते हैं। और दूसरी बात, प्रोटीन से आप लोग जानिएगा, प्रोटीन पौधों और जंतुओं दोनों समय मिलता है। हमारे भोजन में प्रोटीन दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस मछली, बत्तख के अंडे, सूखे मेवे, ये प्रोटीन के बहुत ही उत्तम साधन हैं, यहाँ तक कि सोयाबीन। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है प्रोटीन। शरीर में होने वाली पाचक रसों को एंजाइमों तथा आगे चलते हैं हम लोग एंजाइम के अलावा एक मिनट आप लोग रुकिए तो ज़रा तथ्य को हम लोग और बड़ा कर लिया जाए। ये तो हमारा विटामिन वाला था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ ही लिया, ये भी हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारी निःशुल्क क्लास है, और आपको अगर नोट्स या क्लास में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इलानी पे दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पे जुड़कर बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास आप लोग को निःशुल्क देशित में राष्ट्रीय में उपलब्ध है। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बहुत कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन मैं प्रोटीन के बारे में पहले आपको थोड़ी ही बातें बताना जरूर चाहूँगा कि देखिए, जो प्रोटीन होता है ये जंतु से भी प्राप्त होता है और पौधों से भी मिलता है। प्रोटीन के निर्माण करने का जो प्रमुख तत्व हमारे शरीर में उस एमिनो एसिड है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, तो 4 किलो कैलोरी होती है। एक प्रश्न आता है कि 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है वो उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा गया है 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अभी आगे इन दोनों का भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ये प्रोटीन का जो संगठन होता है उसमें कार्बन सबसे ज़्यादा होता है, 50% कार्बन 50% होता है, हाइड्रोजन 7 और ऑक्सीजन 23, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर लगभग 75% हिस्सा होता है। उसके बाद नाइट्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन, इस तरह से होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि प्रोटीन के क्या क्या काम है, तो ये शरीर में विकास, टूट फूट की मरम्मत करता है और मसल्स का निर्माण करता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग जिम करते हैं, आप लोग भी शायद जानते होंगे जिम करने वालों को, तो जो जिम करने वाले होते हैं वो प्रायः क्या करते हैं, इन्हीं का प्रयोग करते हैं। किसका? वो इन्हीं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका? प्रोटीन का। ज़्यादा ज़्यादा वो लेने का प्रयास करते हैं। ये हमारे शरीर के में वसा के रूप में संचित हो जाता है, और शरीर में वसा एवं शर्करा इसे कार्बोज की कमी होने पर ऊर्जा और शक्ति देने का काम करता है। ये शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी पैदा करता है और स्वस्थ रखता है। प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें क्या होता है, गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें रक्तचाप हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, बच्चों कमज़ोर पैदा होते हैं,
और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ऊपर अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, तो मैं चाहूँगा आप लोग फटाफट कमेंट करके जवाब जरूर। आइए प्रोटीन के बारे में जुड़ लेते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में ठोस भाग का निर्माण करती है, लगभग प्रोटीन हमारे शरीर के लगभग 75% जो ठोस हिस्सा है उसका निर्माण करने का काम करती है। सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। प्रोटीन की इकाई क्या, एंजाइम्स है। प्रोटीन की जो इकाई है उसे हम एंजाइम्स कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है खासकर परीक्षा के लिए। सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग बर्जिलियस ने किया था। किसने किया था, बर्जिलियस ने। प्रोटीन का सबसे मुख्य कार्य है शरीर में वृद्धि करना। इंसुलिन की कमी होने से कौन सा रोग होता है, शुगर होता है। इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है, ठीक है, बीटा कोशिका से। मधुमेह रोग में खाना नहीं चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, आलू गन्ना नहीं खाना चाहिए। और एक सामान्य व्यक्ति के संतुलन भोजन में प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा में होने वाली कमी क्या है। देखिए खासकर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब जरूर देंगे, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, प्रोटीन की कमी से होती है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको जानते रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट्स में नहीं लिखा हो सकता आगे पूछ ले, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि इस बात को भी आप भली भांति जानते रहें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारे लिए आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको दिख रहा होगा, तो जल्दी से हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लेते हैं, फिर वसा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे शरीर में जितना ही उतना महत्वपूर्ण है जितना कि एक जो हमारी बाइक होती है उसमें जो पेट्रोल पड़ता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बिना पेट्रोल के जैसे हमारी बाइक नहीं चल पाएगी, ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। बिना कार्बोहाइड्रेट के हम और आप नहीं चल पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अगर निर्माण में देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इसमें देखा जाए कार्बोहाइड्रेट में, तो इसमें क्या क्या होते हैं, कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, फिर अनुपात ऑक्सीजन है। इनका अनुपात अगर पूछ दिया जाए, 1:2:1 है, क्या है ये, 1:2:1 है, मैंने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो अनुपात है इनका वो क्या है, 1:2:1, ठीक है, मैंने ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट शर्करा और मंड के रूप में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, स्टार्च या श्वेतसार, या शर्करा ग्लूकोज के रूप में होते हैं। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग को नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं इसे स्टार्च की अगर हम बात करें कि स्टार्च के रूप में कैसे होते हैं, तो स्टार्च के रूप में या श्वेतसार के रूप में ये पौधों में पाए जाते हैं। ठंडे जल में अघुलनशील होते हैं ये अनाज, जैसे मक्का हुआ, चावल, गेहूँ हुआ, उसमें या दाल हुआ, तो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज में 70%, दाल में 40% होते हैं। ये केला में, अखरोट में, आलू में भी काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये शर्करा ग्लूकोज जो होता है, इसका दूसरा रूप जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा प्रकार होता है, वो ये चीनी हुआ, गुड़ हुआ, शहद में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये चुकंदर में, सेब में, जहाँ बहुत ज़्यादा मीठा होता है, चीकू में, पपीता में, आम में, किशमिश, खजूर में भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब एक प्रश्न आता है, यहाँ पे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मानव भोजन का मुख्य अवयव होते हैं, इससे व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा मिलती है। मतलब अगर पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है, या किसी खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या दिया जाता है, तो वह है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को एकदम साफ दिख रहा होगा, साफ समझ में आ रहा होगा। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे चावल है, आलू, मक्का है, शरीर से तत्काल ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सर्वाधिक पाया जाता है मक्का में, इसके अधिकता से मोटापा होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है, ये बात आप लोग जानते रहिएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से भी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से और 1 ग्राम प्रोटीन से भी, 1 ग्राम प्रोटीन से भी कितना मिलती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये बात आप लोग को पता होगा। ये कार्य क्या करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये शरीर के अंदर आपके क्या काम करता है, तो आप क्या बताएंगे, ऊर्जा देता है, मरम्मत, टूटी फूटी चीज़ों को मरम्मत करने में। कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण को भी नियंत्रित करता है, इससे पाचन क्रिया बहुत आसानी से होती है। ये शरीर का टेम्परेचर भी नियंत्रण करता है। एक प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन क्या है जो शरीर का टेम्परेचर मैनेज करता है, तो कार्बोहाइड्रेट है, जो शरीर का जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, इसे भी मैनेज करने का काम ये करता है। साथ ही साथ ये जो ग्लूकोजन के रूप में एकत्रित करता है हमारे शरीर में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, और आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट का जो शर्करा है उसकी कमी से क्या होगा, अगर कमी हो जाती है तब विकास रुक जाता है, आदमी दुर्बल हो जाता है, धीरे धीरे बेचारा बैकुंठ चला जाता है। शरीर को जो जैविक कार्य है पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती, फिर थकावट सा लगता है। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तब कार्बोहाइड्रेट कम भी नुकसानदायक है और ज़्यादा भी। ज़्यादा से क्या होगा, कितने लोग को पता है कि ज़्यादा से क्या क्या दिक्कत होगी,
अगर ज़्यादा हो जाता है तो ग्लाइकोजन बनने पर त्वचा मांसपेशियों के नीचे गड्ढा होने लगता है, कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, और ज़्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट तो पाचन शक्ति कमज़ोर कर देता है, और अधिकाधिक ओबिसिटी नामक रोग होता है जिससे शरीर में मोटापा बढ़ता चला जाता है, शरीर भद्दा सा लगने लगता है, तो ये इससे दिक्कत होती है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। उम्मीद कर तो यहाँ तक आप लोग एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो भाई अभी आपको बता दिया जाए। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं? तो अंगूर या खाद्यान्न में से ग्लूकोज मिलता है, अंकुरित अनाज में माल्टोज के रूप में, दूध में लैक्टोज के रूप में, फलों में फ्रैक्टोज के रूप में, गन्ने में सुक्रोज के रूप में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आपकी बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, ये नोट्स में आपको मिल चुका होगा। फिर भी आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम पे आप सभी साथी, भी लंबी क्लास है, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है, वहाँ पे भी आप जुड़े रहिएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतर हो। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। सबसे मीठा पदार्थ होता है सैक्रिन, क्या होता है सैक्रिन जो होता है वो सबसे मीठा होता है, ठीक है? क्या आप लोग को पता है सैक्रिन जो होता है वो सबसे मीठा होता है? उसके बाद हम देखते हैं सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्टोज। सबसे मीठा जो कार्बोहाइड्रेट से उसे हम फ्रैक्टोज कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग और आगे देखें तो दूध का मीठापन लैक्टोज के कारण, जो दूध का जो मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। पीलापन कैरोटीन कारण, ये प्रश्न आता है दूध पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन की वजह से जो दूध है वो पीला होता है, मतलब दूध का जो पीलापन होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। भोजन का पाचन का प्रारंभ होता है मुंह से, जैसे प्रश्न आता है कि भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से शुरू हो जाता है, ठीक है? अभी हम लोग और आगे पढ़ते हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं ठीक आराम से पढ़ लीजिएगा, और प्ले स्टोर से लर्निंग विद दुर्गेश का जो एप्लीकेशन उनका भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य सिलेक्शन है और आपका भी उद्देश्य यही होना चाहिए। ऊपर मैंने बताया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:2:1 होगा, यह अनुपात भी पूछा जाता है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं और आगे, यहाँ से किसी के मन में कोई सवाल तो नहीं है ना? आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे और आपके पठन पाठन के लिए भी हैं जो ज़रूरी हैं। चलिए आइए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस का नंबर है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, ये ऑफिस का नंबर है ई लर्निंग विद दुर्गेश के। दूध कैसे सफ़ेद होता है? हमने देखा दूध सफ़ेद होना कैसीन की वजह से। दूध का पीलापन किसके कारण होता है? अभी ऊपर हमने बात किया दूध का पीलापन कैरोटीन के कारण होता है, मीठापन लैक्टोज के कारण होता है, लेकिन सफ़ेदपन कैसीन के कारण होता है। दूध से दही बनने को लैक्टोबेसिलस के नाम से जानते हैं, दूध का दही बनना, और दूध से दही बनने की जो विधि होती है उसे किण्वन कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? किण्वन विधि के नाम से जानते हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक टॉपिक आपका आया है वसा, बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं लेकिन हाँ इसको हम लोग पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं यहाँ से आप एक हर एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग भी पढ़िएगा, क्योंकि रेस के घोड़े ना हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। आइए देख लेते हैं क्या है वसा को हम लोग फैट कहते हैं, क्या कहते हैं? फैट भी कहते हैं। इनके बारे में और जानते हैं, वसा जो है कार्बन सी, हाइड्रोजन एच, ऑक्सीजन ओ टू आदि तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें मुख्य रूप से ग्लिसरीन एवं फॉलिक एसिड मिला होता है। वसा के रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें ऊष्मा और ऊर्जा मिलती है वसा से। वसा कार्बोहाइड्रेट के समान ही कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के होते हैं। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे और भी चीज़ें देखा कि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कम होती है। वसा का कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो कोशिका के बनाने में सहायक होता है, जैसे बहुत से जंतु अपने शरीर में त्वचा के नीचे वसा रखते हैं, जैसे वेल हुआ, वाल्सर हुआ, वालरस, ये सभी त्वचा के नीचे वसा रखते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं वसा के प्रकार, हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि वसा के प्रकार क्या क्या है, तो आप लोग भी देखते चलिए, पढ़ते चलिए। देखिए वसा के क्या क्या प्रकार हैं। वसा के दो प्रकार, एक संतृप्त वसा होता है, एक असंतृप्त वसा होता है। इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक वनस्पति से मिलता है, दूसरा जंतु से। तो जो जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम संतृप्त वसा कहते हैं, जैसे दूध, घी, मांस आदि। अपवाद में देखेंगे नारियल का तेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रट लीजिएगा, ऐसे नोट्स आपके पास होगा। असंतृप्त वसा में वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं सरसों का तेल, सूर्यमुखी, इसमें मछली का तेल अपवाद इम्पॉर्टेंट।
ये सब रट लीजिएगा। हाँ सिलेक्शन अगर लेना है तब, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वसा के कार्य यहाँ दिया है, अभी हेडिंग छोटी सी, वसा के कार्य क्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वसा का शरीर के अंदर त्वचा के नीचे ये इकट्ठा होकर सुडौल बनाते हैं, सुंदर रूप देते हैं, ये शरीर का टेम्परेचर नियंत्रित करते हैं। ये भी इसके अलावा भी हमने पढ़ा था शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए, लेकिन ये भी क्या है, शरीर के जो तापमान है उसे नियंत्रित करने का भी काम करता है। यह बात भी आप लोग को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो ऊर्जा प्रदान करता है, चेहरे में चिकनाई प्रदान करने का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी ये वसा की कमी को जो पूरी करता है, कभी कभी कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दोगुनी ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की मांसपेशियाँ जो उनमें शक्ति देता है, और ये पाचन क्रिया को भी नियंत्रण करता है, जैसे भोजन काफ़ी समय तक पाचन अंगों में बना रहे और भूख कम लगे, और ये आंतरिक अंगों की बाहरी आघातों से भी बचाती है, चिकनाई देती है, संकोचन और विमोचन क्रिया बिना रिकॉर्ड होती है, टूट फूट कम होती है, मांसपेशियाँ भी इससे मजबूत होती हैं, ठीक। अब हम देखेंगे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये पहले तो जान लें, इसकी जब कमी होगी तो शरीर में छोटे छोटे उभार हो जाते हैं, और इसे हम फ्राइडोडर्मा या टोड स्किन कहते हैं। जैसे ऐसी कमी से अगर हम लोग देखें, आप सभी लोग इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो फ्राइडोडर्मा है। देखिए कमी से लिखना चाहे लिख लीजिएगा, फ्राइडोडर्मा है या टोड स्किन होता है, टोड स्किन इसकी कमी से होता है। ये बात भी आप लोगों को, मुझे लगता है कि सभी को पता होंगी, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग जानते रहिएगा, इसके कमजोरी आती है, थकान, मानसिक शारीरिक थकान भी होती है, शरीर के ऊपर खुश्की छाने लगती है, त्वचा जगह जगह चटकने लगती है, वसा से शरीर में अम्ली जो वसी अम्ल की कमी हो जाती है, शरीर विद्युत पर प्रभाव पड़ता है। अगर वसा ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, क्या आपको पता है कि वसा के अधिकता से भी होता है, ये कमी से हो गया अधिकता से। अगर प्रश्न आ जाए आपके परीक्षा में अधिकता से क्या होगा तब बताइए, अधिकता से क्या होगा, जरा आप लोग फटाफट कमेंट करिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा इसके अधिकता से क्या होगा। ये अधिकता से क्या होता है, ओबेसिटी रोग, गुर्दा अपना कार्य करना बंद कर देता है, अधिक कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, अधिक वसा से शरीर में एकत्रित हो जाने पर ओबेसिटी नामक रोग होता है। कौन सा रोग, अधिकता से ओबेसिटी लिख लीजिएगा सभी लोग, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है लेकिन उसके साथ साथ ओबेसिटी, ओबेसिटी नामक रोग होता है। तो ये बात आप लोगों को शायद पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको यहाँ पे इंगित करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ताकि आपको परीक्षा के समय ऐसे दिक्कत ना होने पाए, और साथ ही साथ इसमें चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। तो शरीर में स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य को 25-30% वसा लेना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी तक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो था पढ़ लिया था। अब इसमें खनिज एक टॉपिक आता है, ये खनिज लवण क्या है, जरा बता सकते हैं खनिज लवण क्या है, इसकी कमी से क्या हो सकता है, क्या इसकी अधिकता से क्या है। फिर इसके बाद हम लोग एक टॉपिक है जल, तो जल को हम इसके बाद पढ़ लेंगे। एक खनिज लवण है, मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, ओरली बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह बना के मैं यहाँ पे जगह बना के मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे खनिज, राइटिंग थोड़ी सी मेरी गड़बड़ है, तो जरा आप लोग बताइएगा कितने लोग खनिज के बारे में जानते हैं। ये खनिज क्या है, खनिज लवण, यार हम लोग को तो पूरा लिखना होगा, खनिज लवण ये क्या होता है, जरा आप लोग कमेंट के सेक्शन बताइए ये खनिज लवण क्या है। देखिए अगर हम खनिज लवण की बात करें तो धातु, अधातु, ये खनिज लवण कहलाते हैं क्योंकि ये धरती से खुदाई द्वारा प्राप्त होते हैं। खनिज लवण क्यों कहते हैं, क्योंकि धरती में खुदाई से मिलते हैं। हमारे शरीर का 1/4 भाग, हमारे शरीर का अगर देखा जाए, हमारे शरीर का 1/4 भाग इन्हीं से मिलकर बना होता है। खनिज वे रसायन है जो हमारे शरीर में स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और 24 प्रकार के खनिज मिलते हैं। अगर हमारे शरीर में देखा जाए कौन कौन खनिज पाए जाते हैं तो लिख लीजिएगा, कैल्शियम, फास्फोरस,
गंधक, मैग्नीशियम, लोहा, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, तांबा, ये हमारे शरीर में पाए 24 प्रकार के खनिज तत्व होते जो हमारे शरीर में पाए जाते, मैंने बता दिए। ये खनिज लवण शरीर के ऊतक का निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ एक तरह से रॉ मटेरियल ऐसा समझ लीजिए। खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, खनिज देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, कौन से? दीर्घ तत्व और लघु तत्व। दीर्घ तत्व में क्या क्या आते हैं? जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन। में लघु तत्व में आयोडीन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अच्छा छोटा सा मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। खनिज लवण ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार क्या होते हैं? एक दीर्घ तत्व होता है, दीर्घ तत्व, दूसरे वाले में होता है लघु तत्व, लघु तत्व होता है। अब इन दोनों में अगर हम लोग पढ़ना चाहें अध्ययन के दृष्टिकोण से, दीर्घ तत्व में क्या आता है? कैल्शियम आता है, लिखना चाहे लिख लीजिएगा सभी लोग, कैल्शियम आएगा, फास्फोरस आएगा, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, पोटेशियम है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, गंधक हो गया आपका, और फास्फोरस हो गया, गंधक, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इसके अलावा आदि लहसुन प्याज है, ठीक है। लघु तत्व में अगर हम बात करें तो आयोडीन है, आयोडीन है, लौह है, कोबाल्ट है, ठीक। फिर है आपका सेलेनियम है, सेलेनियम है, ठीक है, ये सब आते हैं। तो लघु तत्व शरीर कम मात्रा का, जो लघु तत्व होते हैं शरीर में कम मात्रा का आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो दीर्घ तत्व हैं इन्हें शरीर में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवण ऐसे हैं जो शरीर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ये हड्डियों को भी दृढ़ मजबूती देते हैं और स्नायुओं को संवेदन शक्ति नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण होते हैं। रुधिर या खून के लाल रक्त कणिका में भी निर्माण करते हैं, RBC का भी निर्माण करते हैं, ये RBC का भी निर्माण में सहायक होते हैं। फास्फोरस और गंधक की सहायता से शरीर के तंतुओं का निर्माण होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जितना भी हो सका मैंने अपना बेस्ट और बेहतर दिया है। तो एक तथ्य हम लोगों ने पढ़ लिया, तो जरा आप लोग बताइएगा ये संतुलित आहार क्या होता है, रेशेदार आहार क्या होता है, तो सभी लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। रेशेदार भोजन क्या होता है, रेशेदार नहीं, रेशेदार भोजन में क्या क्या आता है, संतुलित आहार क्या होता है। तो ये टॉपिक जो मैंने था, मैंने ये प्रयास किया कि सेलेक्शन से दृष्टिकोण से जितना हो सके उतना आपको स्पष्ट रूप से बताया जाए। तो ऊपर के हम लोगों ने संतुलित आहार असंतुलित आहार को पढ़ ही लिया था। संतुलित आहार में पर्याप्त आहार होता है, और पर्याप्त आहार में क्या होता है कि इसे पूर्ण आहार कहते हैं, आहार है लेकिन संतुलित भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। इसे भरपेट खाना, पेट भर खाना, या जितनी ज़रूरत उतनी खाना, बस ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। बस आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पोषक तत्वों से कौन सी कमी से रोग होती है, ठीक। जैसे कार्बोहाइड्रेट कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है, प्रोटीन कमी से क्वाइसियोरकर रोग होता है। जैसे प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है, ऊपर मैंने पूछा था, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाइसियोरकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वसा की कमी से, क्योंकि परीक्षा बार बार पूछा जाता है तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ लिखवा दूँ, क्वाइसियोरकर नामक रोग होता है। वसा से मोटापा बढ़ता है, और कमी से अगर ज़्यादा हो जाए तब, जैसे प्रोटीन ज़्यादा हो जाए तब गुर्दा कमी से, ये कमी से अधिकता से गुर्दा संबंधी समस्या होता है। खनिज अधिक हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस्ट रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाए तो मधुमेह हो जाता है, मोटापा हो जाता है, सांस लेने समस्या होती है। कम हो जाए वजन कम हो जाएगा, पेट फूलने लगेगा, पैर पतले हो जाएंगे, मांसपेशियां
विकास रुक जाता है, ये सभी चीज़ें होती हैं जो मैंने ऊपर आप लोग को पर्याप्त रूप से बता दिया। इसके बाद छोटा सा टॉपिक अगला है उसको भी लेकर हम लोग खत्म कर देंगे। आज जो हम लोग का मेन फोकस था भोजन, उसको हम लोगों ने पूरा करीब खत्म कर दिया। अब छोटा सा टॉपिक है, मैं आपसे यहाँ से प्रश्न के माध्यम से मैं यहाँ पे चाहूँगा कि मैं अन्य प्रश्नों को यहाँ पे क्लियर करूँ। जैसे शरीर को भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा, तो ऊर्जा को जो भोजन से मिलती है किसमें नापते हैं, तो आप कहेंगे सर कैलोरी में, इससे कितना कैलोरी ऊर्जा मिली, तो कैसे नापते हैं, ऊर्जा को कैलोरी से नापा जाता है, ठीक है। एक ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो मैंने ऊपर बताया था। लेकिन कहीं कहीं आपको मिल जाता है कि एक ग्राम प्रोटीन से एक ग्राम प्रोटीन हुआ या कार्बोज हुआ, ठीक है, कार्बोज से 3.9 कैलोरी, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है। एक ग्राम वसा से 9.4 कैलोरी मिलती है। मनुष्य अपना जीवन सही रूप से व्यतीत करने के लिए प्रति घंटा कितनी कैलोरी आवश्यकता पड़ती है, तो 70 कैलोरी का आवश्यकता पड़ती है प्रति घंटे। तो अपना सोच लीजिए आप कितना खाते हैं ना। तो चलते हैं आज के टॉपिक यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ समाप्त हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। अब की बार एक सीट हमार, ठीक है, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। लेकिन उम्मीद करते इससे बाहर आपकी परीक्षा नहीं आएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, घर बैठे भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मेरा छोटा सा सवाल है, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा आप सभी, कि अगर लौह तत्व की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो कौन सा रोग होता है। जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है कि लौह तत्व या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए चलते हैं, तब तक बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।